अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। सो वेलकम इन न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग सीन्स कुछ ऐसे कि जा रहा हूँ विरोरी, जाने क्यों जा रहा हूँ, और आपको ये बता था, चलो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आ रहा है, आई बटन में जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं विरोरी क्यों जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता भी दूँ कि मुझे चाहिए विरोरी से बुक्स, वो भी आइल्स की बुक चाहिए, तो यहाँ पे है मरियाबाद के लिए में है और बाज़ार के लिए में भी है, मगर वो महंगा पड़ता है। अभी जा रहा हूँ बिरोई, तो कुछ काम भी है, और फिर मुझे अपने कज़न से मिलना है क्योंकि वो भी अपनी आइल्स की तैयारी कर रही है, वो भी अपनी आइल्स की तैयारी कर रही है, तो अपने कज़न से मिलेंगे, कुछ आइडियाज़ लेंगे, और उसके पास जो बुक पुराने बुक है उसको भी उठाएँगे वहाँ से। तो अभी जाएंगे, अभी चेंज कर जल्दी से, फिर अपनी नानी के साथ जाएंगे बिरोरी की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा आपको रास्ते में कुछ वीडियोस ले लूं, अगर ना हुआ तो खैर, क्योंकि कोई टाइम में गर्मी भी ज़्यादा है तो मुझे ऑन फोकस रहना है अपनी ड्राइविंग है, ऑन फोकस रहना है अपनी ड्राइविंग पर। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि आज का दिन कैसे गुजरता है, और आज का दिन मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि आज के बाद से मैं रेडी व्लॉग बनाऊंगा, हर दिन की एक व्लॉग, और मैं क्या करता हूँ, कैसे दिन गुजारता हूँ, तो भी आपके लिए एक प्रोडक्टिव व्लॉग रहेगी, क्योंकि मैं ऐसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको आइडियाज़ शेयर करते जाऊंगा, और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के बारे में और कुछ कैमरा एंगल्स के बारे में भी आपको बताता चलूँगा कि आपके लिए आपकी टाइम वेस्ट ना हो और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सको। तो लेट्स गो यार, बाइक का हालत बहुत ही खस्ता हो चुका है, और इसको मैंने कभी बहुत लेट से उसकी सफाई नहीं करवाई है, पिस्टन वगैरह में सारा कचरा पस चुका है, तो मूवलाइन भी ख़राब हो चुका है, और सफाई भी नहीं है, और ये जो देख रहे हो सारे जो मसले हो रहे यार, YBR के बहुत बड़े मसले आ रहे हैं, तो मुझे एक और प्लेट नंबर भी चाहिए जो मुझे आगे बनवाना है, तो इसके लिए एक अलग सा व्लॉग मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह जल्द, और इसके मसले मसाइल के लिए भी एक मज़ेदार अलग सी व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। मैं बिरोरी में इंटर हो चुका हूँ, अभी जाएंगे अपनी कज़न के घर। ये जो सामान है इसको भी कज़न के घर देना है, और कज़न के साथ जाना है स्टेशनरी, वहाँ से मुझे आज की बुक जानी है, और ये कज़न के साथ अभी जाना है, आइल्स की बुक लेना है, क्योंकि हज़ारा चौक के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, तो अभी कज़न भाई आ जाएगा और कज़न के साथ जाएंगे, आइल्स जाएंगे, और आपको लोकेशन भी बता देंगे। तक में शायद ले लो, ये 1 और 2 ले लिया है, अब इसको घर ले जाके टायर ट्रेनिंग कर रहे हैं, टायर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन सैनाबाद रोड के ऊपर, और ये लास्ट में शहर स्टेशनरी, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, तो आप यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मैं मैसेज कर दूँगा। फिरोजी से घर पहुंच का हो, तो बहुत ही मज़ा आया, और गर्मी भी था, खैर मैंने सहर स्टेशनरी से ये 2 आइल्स की किताब उठा ली है जो कि 1 और 2 है, तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको हर दिन एक अच्छा सा ब्लॉग बना दिए आपके लिए पेश करो, और आप इंजॉय करो, और उनसे इंटरटेन होने के साथ साथ आप मेरे वीडियो से कुछ सीख सको, तो मेरे लिए बहुत ही एक अहम बात होगी जो आप मेरे वीडियोज़ देखते हो और उससे कुछ सीख लो, तो मेरी सबसे बड़ी जो गोल है यही है। अभी सीन्स कुछ ऐसे कि थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, नैप लेंगे, और नैप के बाद कुछ देखते हैं, अगर बन जाए तो आपको दिखा देंगे। हेलो जी अगेन, आज रात मैं जाऊंगा मेराज के साथ, तो विरोट क्यों जा रहे हो वहाँ पे पहुंच के आपको दिखाते हैं, और सीन्स कुछ ऐसे है, और यहाँ पे बिल्लियाँ लड़ रही हैं। अच्छा, अभी जाना है मेराज के पास,
सुबह गया था बिरोड़ी, और बिरोड़ी के बाद आके की सारी क्लासेस वही जो प्री डेली रूटीन मैंने आपको दिखाया था वही हुआ मेरे साथ आज भी। तो अभी जाएंगे मेराज के पास, मेराज के पास जाएंगे और मेराज को घर से उठा, उसके घर से उठा के तोग रोड की तरफ जाएंगे। लेट्स गो। यहाँ पे बिल्लियाँ लड़ रही है, ये देखो शिकार नहीं, और देखो तीन छोटी छोटी सी बिल्लियाँ है, ये दो और एक येलो कलर की है, ये दो आंखें देख रहे हो, ये दो है। इसका दूसरा बहन भी है, इसका दूसरा बहन अभी यहीं पे था। तो लेट्स गो। रास्ते में मुझे मुदसर मिल गया और मेराज नहीं जा रहा, ये कह रहा है कि हम कल तोहे रोड जाएंगे, लेकिन ये तकरीबन मुझे चार दिनों से कह रहा है कि जाएंगे, और इसने जो मोबाइल लेना था उसने नहीं लिया, नहीं लिया है। ये इसका भाई का मोबाइल है और भाई ने नहीं लिया। अच्छा दिखाओ। अच्छा इसने 14 लिया है ना, 15 ये 15 है। या तो मुदसर और मेराज तो नहीं गया, और आज मैं खुद अकेला जाऊंगा और आज से छोटा लाऊंगा, छोटा के बारे में बताऊंगा और रिव्यू कर भी देंगे। फिलहाल हमने गाड़ी खड़ा होगा, अकेला थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे मैं तो मौजूद हूँ तोगे रोड पे और हमारा शोरमा बन रहा है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल में घर में बात करेंगे वीडियो देने के बाद। और हमारे इस टाइम शोरमा रेडी हो रहा है, पानी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ईचर पे शोरमा का गोश्त पक रहा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर और आज शोरमा ट्राई करेंगे। और एक और बात बताते चलूँ कि इसके लिए मैं एक अलग सी डिटेल बनाऊँगी, डिटेल ये होगी उसमें जगह, लोकेशन, बंदा, किस तरह प्रोसेस होते हैं और इसकी तारीख क्या है। तो ये सारी चीज़ें उस डिटेल की वीडियो में बनाएंगे आप। आज के लिए मैं सिर्फ सरसरी में नहीं बनाई क्योंकि मेरे साथ कोई खुलिक नहीं था या मेरा दोस्त नहीं था कि मेरे वीडियो कर ले मेरे लिए। तो चलते हैं अभी शोरमा ट्राई करते हैं। आज मेरी बहन ने आलू खीमा बनाई है और कह रही कि थोड़ा सा टेस्ट करो कि किस तरह आया है। आइए टेस्ट करते हैं, हम खुद ही हो एक लोगमा। बहुत टेस्टी है, बहुत आला। Here we go, we just try this shawarma, this full loaded shawarma. आज के बाद से थोड़ा सा इंग्लिश भी ट्राई करेंगे क्योंकि ताकि मेरा प्रैक्टिस हो जाए। उर्दू तो ख़राब है लेकिन इंग्लिश में कोशिश जारी है। आपके मुँह में भी शायद पानी आ रहा है ना, आ रहा है ना, मुझे बताएं, फिर भी देख लो। ये बहुत बड़ा है, मुँह से भी ज़्यादा बड़ा है। Let's try and give a review of 10 of what? इसको यार मैं देखो 10 of 7। तो हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, क्यों ना एक सीरीज बना जाए, क्यों ना एक सीरीज बनाया जाए
जिसमें हम लोग क्वेटा में जो जितने भी मशहूर शोरमा है वहाँ से हम शोरमा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये आइडिया सही लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना और ये सीरीज इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे। बेबी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, फुल लोडेड।